हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे कंटोला या ककोरा की बहुत ही स्वादिष्ट और मज़ेदार सब्जी। बारिश के मौसम में फ्रेंड्स ये खूब मिलती है मार्केट में, और आयुर्वेदा में फ्रेंड्स इस सब्जी को सबसे ज़्यादा ताकतवर सब्जी कहा गया है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम कंटोला को 2 से 3 बार अच्छे से पानी में वॉश करेंगे, और इसके बाद फ्रेंड्स हम इसे एक बास्केट में ले लेंगे। तो इसे फ्रेंड्स नेचुरली हम ड्राई होने देंगे, इसे पोंछने की ज़रूरत नहीं है। और ये फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने 250 ग्राम के करीब कंटोला लिया है, और अभी फ्रेंड्स हम इसे बिल्कुल पतली पतली स्लाइस में कट कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, एक कंटोला के हम कम से कम 8 पीस करेंगे। तो जितना हम पतला इसे कट करेंगे उतनी ही सब्जी हमारी क्रिस्पी बनेगी। और ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह के जो रेड वाले कंटोला हैं उसे हम सब्जी में नहीं लेंगे, क्योंकि इससे सब्जी थोड़ी खट्टी बन सकती है, तो उसे हम साइड पर रख लेंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स, सारे कंटोला हमारे कट के तैयार हैं। और यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने एक पैन ले लिया है, और इसमें हम डाल देंगे 2 टेबल स्पून जितना ऑयल। तो बहुत ज़्यादा ऑयल इसमें नहीं डालना है हमें। और जैसे फ्रेंड्स तेल गर्म होगा हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून जीरा, और साथ ही साथ फ्रेंड्स हम इसमें ऐड करेंगे 8 से 10 लहसुन की कलियां बारीक कटी हुई, थोड़ा सा अदरक हम ऐड करेंगे, अदरक का फ्लेवर भी इसमें फ्रेंड्स बहुत अच्छा लगता है। और साथ ही साथ फ्रेंड्स हम इसमें ऐड करेंगे 2 हरी मिर्ची बारीक कटी हुई, थोड़ा सा फ्रेंड्स हम इसे फ्राई कर लेंगे। और इस सब्जी में फ्रेंड्स भरपूर मात्रा में फाइबर, प्रोटीन और विटामिन्स होते हैं, तो ये सब्जी हमें सीजन में ज़रूर खानी चाहिए। और अभी फ्रेंड्स इसमें थोड़ा सा हींग ऐड करेंगे, थोड़ा सा मिक्स करेंगे। और अभी ये जो कंटोला हमने काट के रखा है वो ऐड कर लेंगे। और अच्छे से फ्रेंड्स इसे मिक्स करते जाएंगे, और तकरीबन 1 से 2 मिनट फ्रेंड्स हम इसे तेल में भूनेंगे। ये देखिए, इस तरह से थोड़ा सा उलट पुलट कर लेंगे ताकि अच्छे से इक्वली जो ऑयल है वो सब्जी में लग जाए। और थोड़ा सा भूनने के बाद फ्रेंड्स हम इसमें मसाले ऐड कर लेंगे। तो 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून हम धनिया पाउडर ऐड करेंगे, और 1 टीस्पून हम इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। साथ ही स्वाद अनुसार हम इसमें नमक ऐड कर लेंगे, और अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। तो मसाले के साथ भी फ्रेंड्स हम इस सब्जी को 1 मिनट भूनेंगे, और बिल्कुल धीमी आंच पे हम इसे भूनेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, 1 से 2 मिनट भूनने के बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। तो 1 टेबल स्पून जितना हम पानी ऐड करेंगे, फिर से इसे मिक्स करेंगे। और अभी फ्रेंड्स हम इसे कवर कर लेंगे। और अभी देखिए फ्रेंड्स, 3 मिनट के बाद सब्जी हम चेक कर लेते हैं एक बार, अच्छे से एक बार मिला लेंगे सब्जी को। इस सब्जी को बनने में फ्रेंड्स 8 से 10 मिनट का समय लगता है, तो हर 2-3 मिनट के बाद हम इसे खोल के चेक कर लेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे, फिर से कवर कर लेंगे। और अभी देखिए फ्रेंड्स, 8 मिनट हो गए हैं सब्जी को पकते हुए, और 8 मिनट के बाद आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट सब्जी हमारी बहुत अच्छे से कुक हो गई है, काफ़ी सॉफ्ट भी हो गई है। और अभी फ्रेंड्स इसे हम कवर नहीं करेंगे, और 1 से 2 मिनट बिना कवर किए ऐसे ही भूनेंगे। और साथ ही साथ फ्रेंड्स हम इसमें थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करेंगे,
और खूब सारा हरा धनिया ऐड करेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, कंटोला या ककोड़ा की बहुत ही स्वादिष्ट मज़ेदार सब्जी हमारी बनके तैयार है। और ये सब्जी फ्रेंड्स आप एक बार ज़रूर ट्राई करें और अपने अनुभव मुझे शेयर करें। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ये कंटोला की सब्जी आप एक बार ज़रूर ट्राई करें और अपने अनुभव मुझे ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।